बिहार में बहुत अच्छा वोटिंग हो रहा है, इसी तरह बिहार की जनता मोदी जी को वोट करते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। आज प्रधानमंत्री पटना आ रहे हैं। बता दें कि पटना में वो आज रात्रि विश्राम करेंगे और कल दो जगह वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि इसको लेकर लालू यादव ने उनसे 11 सवाल किए और इसके साथ ही तेजस्वी यादव का एक तीखा बयान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुतिन को भी बुला ले, डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला ले, हार तो इनकी निश्चित है। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी, आप खुद सुनिए। सम्राट जी, तेजस्वी यादव ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बुला लीजिए या पुतिन को बुला लीजिए। बिहार में बहुत अच्छा वोटिंग हो रहा है, इसी तरह बिहार की जनता मोदी जी को वोट करते रहे। सुना आपने किस तरीके सम्राट चौधरी ने इस पर अपना बयान रखा और कहा कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज अच्छी चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 5 लाख के जगह 10 लाख लोगों को अनाज देंगे और 1 लाख महिलाओं को सालाना पैसा देंगे, यानी कि महीने में 8,333 रुपए देंगे। इसको लेकर भी बड़ा बयान आया था कि सत्ता में जब थे तो कितनी नौकरियां दी ये सबने देखा और नौकरी के जगह नौकरी देकर जमीन लिए। अब देखने वाला होगा सम्राट चौधरी ने इस पर फिर से अपना बयान रखा है कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी है और हम दावा करते हैं कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार पीएम बनेंगे। इसमें विपक्ष क्या कुछ कहती है देखने लायक होगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे न्यूज पीआर के साथ।